नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल शर्मा और टेक स्टफ के एक और नए एपिसोड में मैं फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप आपका फर्स्ट जनवरी 2021 बहुत अच्छा गया होगा। न्यू ईयर की फिर से मैं आप लोगों को यहां पे बधाइयां देना चाहूंगा और आगे का साल भी आप लोगों का अच्छा रहे, ये मेरी हमेशा के लिए आशा रहेगी। और आज की वीडियो में भी आपको हर बार की तरह बहुत सारे लीक्स देखने को मिलने वाले हैं। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो को लाइक टारगेट हम फिर से लेके चलते हैं 2021 का। और आज की न्यूज शुरू करते हैं ओप्पो के साथ। ओप्पो ने कुछ टाइम पहले, मतलब एक साल पहले लॉन्च की थी अपनी ओप्पो रेनो 5 सीरीज चाइना में। ऑफ कोर्स ये जो एक साल पहले वाले जोक्स हैं ये कुछ 3-4 दिन चलेंगे, जब भी नया साल आता है ना ऐसा सब कुछ होता रहता है। और अगर हम बात करें यार रेनो 5 सीरीज की, तो रेनो 5, रेनो 5 प्रो और रेनो 5 प्रो प्लस स्मार्टफोन ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुके हैं और इंडिया में भी रेनो 5 प्रो जो स्मार्टफोन है हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। जी हां, बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। बट आज के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार ओप्पो रेनो 5 और ओप्पो रेनो 5 प्रो जो स्मार्टफोन्स हैं थाईलैंड की एनबीडीसी सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे भी हो चुके हैं। दैट मींस इन दोनों ही स्मार्टफोन्स का एशियन लॉन्च भी अब बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलने वाला है। और गाइस आगे बात करते हैं Xiaomi के सब ब्रांड Redmi की। तो Redmi ने 2019 के शुरू के महीनों में, शुरुआती महीनों में लॉन्च किया था अपना Redmi 7 स्मार्टफोन। जी हां, एक अच्छा खासा पुराना स्मार्टफोन है। उसके बाद कंपनी ने बहुत सारे एंट्री लेवल और मिड रेंज स्मार्टफोन्स को तो लॉन्च किया है, बट फाइनली Redmi 7 यूजर्स के लिए यहां पे एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। फाइनली आफ्टर ऑल दीज इयर्स Android 10 अपडेट जो है आपके Redmi 7 स्मार्टफोन्स के लिए रोल आउट होना शुरू हो चुके हैं ऑफिशियली। बट अभी के लिए ये बीटा अपडेट है, इसका स्टेबल रोल आउट भी बहुत जल्दी होने वाला है। और इंडिया के जो Redmi 7 स्मार्टफोन्स हैं उनमें भी ये अपडेट अब रोल आउट हो रहा है। सो इफ इन केस आप Redmi 7 स्मार्टफोन चलाते हैं, अब आप जल्दी ही Android 10 अपडेट को अपने स्मार्टफोन में एंजॉय कर पाएंगे। बट अगर हम बात करें Mi A3 स्मार्टफोन्स की, और आपके स्मार्टफोन में भी वैसे Android 11 अपडेट आ रहा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपडेट मत कीजिएगा, बहुत सारे बग्स वगैरह हैं, ब्रिक वगैरह मत करना अपने स्मार्टफोन को। Mi A3 स्मार्टफोन यूजर्स के लिए यहां पे अच्छी न्यूज नहीं है और Redmi 7 यूजर्स के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। और गाइस आगे बात करते हैं एक कंसोल की, जिसका नाम आई एम प्रीटी श्योर आप सब लोगों ने सुना होगा। मैं बात कर रहा हूं सोनी के रिसेंटली लॉन्च्ड प्लेस्टेशन 5 की। जी हां, प्लेस्टेशन 5 या PS5 एज वी नो इट कुछ टाइम पहले ग्लोबली लॉन्च हुआ था, बट इंडिया में बहुत सारे रीजंस के चलते इसकी लॉन्च डेट ना बार बार पोस्टपोन होती जा रही थी। बट इफ इन केस आप एक डाई हार्ड सोनी फैन है और अगर आप PS5 लेने की सोच रहे थे इंडिया में, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। सोनी ने न्यू ईयर का यहां पे गिफ्ट दिया हम सब लोगों को और सुबह सुबह आज अनाउंसमेंट किया गया PS5 जो है इंडिया में 2 फरवरी 2021 को लॉन्च होने वाला है। अगर आप इतना भी वेट नहीं करना चाहते, अगर आपसे इतना भी वेट नहीं हो रहा, तो 12 जनवरी 2021 जो कि अब बहुत ही करीब आ चुका है, आने वाला है, इस दिन के ऑनवर्ड्स आप सोनी के PS5 को इंडिया में प्री ऑर्डर भी कर सकते हैं। और गाइस आगे बात करते हैं कुछ महंगी वाली न्यूज की। तो एप्पल ने कुछ टाइम पहले अपनी आईफोन 12 सीरीज को लॉन्च किया था। 4 स्मार्टफोन थे इस सीरीज में, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स। अब यार एक नया लीक निकल के आ रहा है कि यार आईफोन जो अपकमिंग हो गए 13 वाले, इसमें भी हमें 4 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, आईफोन 13 मिनी, 13, 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स। और इस सीरीज के जो टॉप के 2 स्मार्टफोन होंगे ना 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स, इनमें हमें एक 120 हर्ट्ज वाली ओलेड पैनल देखने को मिलेगी। आईफोन 13 मिनी और आईफोन 13 होंगे उनमें फिर से वंस अगेन स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज की ओलेड पैनल हमें देखने को मिलने वाली है। सो इफ इन केस आप एक एप्पल फैन हैं और आपको हायर रिफ्रेश रेट वाले स्मार्टफोन चाहिए, तो अगली बार किडनी ज्यादा ही हमें कुछ बेचनी पड़ेगी। और कैसे आगे बढ़ते हैं Realme की तरफ। Realme की 8 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन्स अब जल्दी ही लॉन्च होने वाली है और Realme 8 सीरीज के 2 मॉडल नंबर ऑलरेडी सर्टिफाई वगैरह हो चुके हैं, RMX 3093 और RMX 3092। RMX 3092 जो था, मैं आपको ऑलरेडी उसके बारे में कुछ की स्पेसिफिकेशंस बता चुका हूं, बट आज RMX 3093 जो है वो भी Geekbench डेटाबेस वेबसाइट पे सर्टिफाई हो चुका है। अब यार ये इन ऑल लाइक्लीहुड Realme 8 स्मार्टफोन ही होगा, Realme 8 प्रो इसके होने के चांसेस थोड़े से कम है, बिकॉज यहां पे भी MediaTek का Dimensity 720 प्रोसेसर है, 8GB RAM, Android 10 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा और ऑफ कोर्स 65 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग इस स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलने वाली है। ये जो भी स्मार्टफोन है Realme 8 या Realme 8 Pro, इसके Geekbench स्कोर्स में आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। और गाइस अगर बात करें हम Xiaomi की, तो यार Xiaomi ने कुछ टाइम पहले लॉन्च किया था अपना Mi 11 स्मार्टफोन। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यार Mi 11 प्रो स्मार्टफोन भी हमें जल्दी ही मार्केट में देखने को मिलने वाला है। बट अभी के लिए अगर Mi 11 की बात करें, तो Mi 11 ने डिस्प्ले मेट एक जो रेटिंग होती है वहां पे हाईएस्ट रेटिंग अचीव की है। आज तक के जितने स्मार्टफोन लॉन्च किए गए हैं, Mi 11 डिस्प्ले हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट डिस्प्ले मेट A+ रेटिंग हियर। और Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy Note 20 सीरीज,
iPhone 12 सीरीज और बहुत सारे स्मार्टफोन्स को काट के Mi 11 जो स्मार्टफोन है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 480 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट के साथ अभी के लिए मार्केट में ग्लोबली नंबर वन स्मार्टफोन डिस्प्ले के हिसाब से बन चुका है। और गाइस फिर से आते हैं यहाँ पे Realme की तरफ और Realme के बहुत सारे स्मार्टफोन्स हमें आने वाले कुछ टाइम पे देखने को मिलने वाले और इन स्मार्टफोन्स में एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसका नाम कोई नहीं जानता या फिर जानता भी है। Realme कोई जो सीरीज है वो भी हमें जल्दी ही चाइनीज मार्केट में देखने को मिलने वाली है और अभी तक लीक से कह रहे हैं Realme कोई सीरीज का एक्चुअल नाम होगा Realme V15 सीरीज। और आज Realme कोई का जो ऑफिशियल Vivo अकाउंट है उन्होंने फिर से थोड़ी सी प्रोग्रेस यहां पे की और वो कह रहे हैं कि वी आर जस्ट 666 मीटर्स अपार्ट, मतलब 666 मीटर का या 6-7 दिनों का यहां पे डिस्टेंस रह गया। दैट मींस हमें अगले हफ्ते Realme कोई सीरीज चाइना में देखने को मिलने वाली है। और गाइस यहाँ पे Xiaomi Realme का बैक एंड फोर्थ गेम चल रहा है बिकॉज़ दोनों ही ब्रांड्स की तरफ से बहुत सारे स्मार्टफोन हमें आने वाले कुछ टाइम पे देखने को मिलने वाले हैं। Realme की तरफ से तो यार X60 सीरीज है, X7 सीरीज है, 8 सीरीज है, Narzo सीरीज है, कोई सीरीज है, बट यार Xiaomi की अगर हम बात करें तो Xiaomi की Redmi वाली 9 सीरीज खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और यहाँ पे Redmi Note 9T जो स्मार्टफोन है मैं आपको सुबह बता चुका हूं कि यार जल्दी ही हमें ग्लोबल मार्केट में देखने को मिलने वाला है। आज के लिए अगर हम बात करें तो Redmi 9T जो स्मार्टफोन है उसकी भी लॉन्च डेट यहाँ पे लीक हो चुकी है। Notably, Redmi 9T जो कि Redmi 9 पावर स्मार्टफोन का ग्लोबल वेरिएंट होगा 8 जनवरी को लॉन्च होने वाला है। नॉट जस्ट दैट, Xiaomi, Mi और Redmi की तरफ से अर्ली 2021 दैट इज Q1 2021 में हमें एटलीस्ट 9 स्मार्टफोन्स देखने को मिलने वाले हैं और इनमें मेन स्मार्टफोन्स होंगे Mi 11, Mi 11 Pro के ग्लोबल लॉन्चेस और इसके अलावा Mi 11 Lite स्मार्टफोन भी हमें अर्ली 2021 में मार्केट में देखने को मिलने वाला है। और Mi 11 जो Lite होगा वो इंडिया में रीब्रांड होके आने वाले 1-2 महीनों में हमें देखने को मिलने वाला है। और गाइस अगली न्यूज की बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यार 2021 शुरू है, हैप्पी न्यू ईयर शुरू है और स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी के बहुत सारे मेंबर्स ने हमें अपनी वीडियोस भेजी हैं सब लोगों को न्यू ईयर विश करने के लिए। सो उसके लिए मैंने एक कंपाइलेशन वीडियो बनाई है, ट्विटर पे मैंने इसके लिए ट्वीट कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक लगा के दे दूंगा, इंस्टाग्राम पे वो वीडियो लाइव हो चुकी है। इफ इन केस आप उस वीडियो को चेकआउट करना चाहते हैं डेफिनेटली आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और गाइस आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ, बट बिफोर दैट अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड वंस अगेन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यू कैन डू दैट राइट अवे। न्यू ईयर है, खुशियां बांटिए, नीचे जो लाल रंग का बटन है उसको दबाइए, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलना सो दैट आपको हमारे चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके डिवाइस पे मिलती रहे। और गाइस वीडियो खत्म करना चाहूंगा मैं पोको के साथ। यार पोको F2 स्मार्टफोन कब आएगा, इस उधेड़बुन में इस सवाल का जवाब जानने में पूरी स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी को, मेरे को और इवन पोको को 2020 निकल गया, मतलब पूरे साल हम बात करते यार पोको F2 कब आएगा, व्हेन विल पोको F2 लॉन्च, बहुत बड़ी तगड़ी वाली सर्च कीवर्ड है। मतलब आप देखते होगे यार पोको F2 का, पोको F3, पोको F4 प्रो, पोको X4, पोको M3, हर नाम से यहां पे हम बातें करते आ रहे हैं। बट यहां पे यार पोको ने फाइनली बोल दिया थैंक यू फॉर द F2 और टीज कर दिया है ऑफिशियली अपने पोको F2 स्मार्टफोन को। आने वाले कुछ टाइम में आपको पोको F2 स्मार्टफोन ग्लोबली और इंडिया में देखने को मिलने वाला है। और अभी के लिए रूमर्स वगैरह में बिलीव ना कीजिए, आपको जल्दी ही पोको F2 की स्पेसिफिकेशंस लीक करके मैं बता दूंगा। बट अभी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोको F2 स्मार्टफोन की कुछ स्पेसिफिकेशंस एक टेलीग्राम ग्रुप पे लीक हुई हैं, मैं इनको कंफर्म नहीं कर रहा बट आपको बताना चाहूंगा। इसका मॉडल नंबर कह रहे हैं कि यार K91 होगा और मैं ये आपको बता सकता हूं ये मॉडल नंबर लिजिट है, K91 एग्जिस्ट करता है। और उसके अलावा वो कह रहे हैं कॉर्बेट इसका कोड नेम होगा, ये भी एग्जिस्ट करता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। बट इसके बाद की जो चीजें हैं वो मैं कंफर्म नहीं कर सकता अभी। बट नोटेबली Allegedly, Poco F2 जो स्मार्टफोन होगा इसमें हमें Qualcomm का Snapdragon 732G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, AMOLED पैनल होगा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, 4 कैमरास होंगे वाइड, अल्ट्रा वाइड, मैक्रो और डेप्थ, साथ में 4250 mAh की बैटरी, रिवर्स चार्जिंग भी आपको देखने को मिलेगी और इस स्मार्टफोन का जो ग्लोबल वेरिएंट होगा उसमें NFC सपोर्ट होगी। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि जो पहली दो चीजें हैं वो मैं बोल रहा हूं एग्जिस्ट करती हैं, बाकी की चीजों के बारे में मैं कोई कंफर्मेशन आपको नहीं दे रहा, बट अभी के लिए फिलहाल के लिए ये लीक निकल गया है, इन रूमर्स में अभी के लिए भरोसा ना ही कीजिए तो अच्छा रहेगा। और गाइस आज की वीडियो में कोई पोल नहीं है बिकॉज़ कल मैंने आपसे पूछा था कि यार आपके हिसाब से बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा रहा, सो आप लोगों ने बहुत सारे आंसर्स दिए, मैं आंसर यहां पे फ्लैश करके आपको दिखा रहा हूं। और आज की वीडियो का पोल आप लोगों के लिए कि यार 2021 शुरू हो चुके और मैं कुछ नई एडिशन करना चाहूंगा टेक्स्ट स्टफ में, बाकी की वीडियोस तो आपको बहुत जल्दी अलग अलग देखने को मिलने वाली है, बट टेक्स्ट स्टफ में मैं आपको 4 आइडियाज अपनी तरफ से दूंगा और 5वां आइडिया होगा आपका। आप कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल करके बता सकते हैं टेक्स्ट स्टफ में हमें इनमें से कौन सी चीज को इंटीग्रेट करना चाहिए, और अगर आप बताएंगे तो यार सीरियसली टेक्स्ट स्टफ की क्वालिटी को ओवरऑल बेटर करने में, एनहेंस करने में हमें बहुत हेल्प मिलेगी।
और वीडियो खत्म करने से पहले देखते हैं कल के बेस्ट कमेंट्स। आप लोगों के कमेंट हम लोगों को बहुत पसंद है, आज की वीडियो में भी कमेंट कीजिए सो दैट आपके कमेंट्स में ऐसे ही टेक्स्ट स्टफ में फीचर करता रहूं। चलिए गाइस वीडियो करते हैं खत्म, उससे पहले देख लेते हैं स्टफ यू शुड नो। हर्षवर्धन पाटिल जी ने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोगों से शेयर किया, वो कह रहे हैं वी गेट हॉलीडे ऑन संडेज इन इंडिया बिकॉज ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम श्री नारायण मेघाजी लोखंडे। ही प्रोटेस्टेड इन 1881 दैट मेनी पीपल जॉइंड हिम। फाइनली इन 1889 ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड हॉलीडेज ऑन संडेज। Some interesting stuff that we all should know. तो गाइस ये थी शाम की टेक स्टफ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल सुबह फिर से एक बार। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, खेलते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। पीस। जय हिंद। वो पड़ा हुआ है मेरे पास आईफोन 12 का। इन सी इन रियलमी कोई वाली है वापस।